एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छी होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैं बना रही हूँ स्माइली के स्कूल का प्रोजेक्ट। और स्माइली भी स्कूल से आ चुकी है। यहाँ पर इसको ना स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था रेनी सीज़न का, तो वही मैं बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने ड्राइंग करी है और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने एक कागज़ से अम्ब्रेला बना के लगाया है और ये पेपर कटिंग करके, ये देखिए पूरा फाइनली इस तरीके से बन के रेडी हो गया है कलर वगैरह करने के बाद। और कॉटन लगाई है ऊपर, बादलों में रेनबो बनाया है कागज़ से कटिंग करके, अम्ब्रेला बनाया है, पेंसिल के छिलके से भी बनाया है एक अम्ब्रेला, और ये स्टिक्स जैसी रखी हुई थी, ये बड होती है ना कान साफ करने वाली, वो मैंने बड लगाई है अम्ब्रेला की स्टिक के लिए। तो इस तरीके से कुछ बनाया है स्माइली के स्कूल का प्रोजेक्ट। आप लोग भी बताना कमेंट करके कैसा बनाया है, मेरी ड्राइंग कैसी बनी है ज़रूर बताना। ये देखिए कागज़ से, ये कॉटन से, ये भी कागज़ से बनाया है कटिंग करके, तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाना था तो इस तरीके से, इसलिए इस तरीके से बनाया है। और नीचे देखिए बाहर से ढोल की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर किसी अंकल आंटी की ना रिटायरमेंट पार्टी हो रही है शायद। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं जस्ट अभी एक्सरसाइज वगैरह करके अपना, अभी मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करूं। और बाहर हो रही है बहुत तेज वाली बारिश, और मैं बालकनी में ही बोल रही हूँ। पता नहीं आवाज़ मेरी आ रही है या नहीं आ रही, मुझे नहीं पता, क्योंकि अंदर एक्चुअली सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो लेट से ही सो के उठते। मैं खुद देर से सो के उठी हूँ, पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया ठंडा के एकदम, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे इतना बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही है। तो मुंबई की बारिश तो ऐसी है कि भाई बंद होती ही नहीं है, कंटिन्यू रहती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, देखिए आप लोग कितनी तेज जोरदार बारिश हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, साफ कर रही हूँ घर अपना, पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू लग चुकी है। और ये देखिए कपड़े किस तरीके से सुखाए जा रहे हैं, जहाँ जगह मिलती है वहीं डाल देते हैं, कुर्सी वगैरह हर जगह, ताकि कपड़े जो है ना सुबह तक सूख जाएँ पंखे की हवा में, तो बस इसीलिए डाले हुए हैं। और जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने स्माइली को जगाया, उसको ब्रश करवाया। और यहाँ पे अब मैं आई हूँ स्माइली के लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि स्माइली अभी ट्यूशन जाने वाली है। तो तेल गरम हो गया है और ये पनीर थोड़ा सा ही रखा था स्माइली के टिफ़िन वगैरह के लिए ही रखे रहती हूँ मैं बनाकर घर में थोड़ा सा पनीर, तो अभी ये इतना बचा है, मैंने कहा इसको ख़त्म कर दूँ, क्योंकि उसके टिफ़िन के लिए ना, लंच के लिए, स्कूल के लिए कभी पराठा बना देती हूँ, कभी वैसे ही काम आ जाता है स्माइली के लिए ही, क्योंकि टिफ़िन का लंच का समझ नहीं आता क्या दूँ, और वो खाती भी नहीं है अगर कुछ सब्जी रोटी वगैरह वैसे रखो तो, पराठा बना दो पनीर का तो खा के आ जाती है, तो इसीलिए मैं रख लेती हूँ बना के घर में ही पनीर। और यहाँ पर ही थोड़ा पनीर बचा है, तो मैं इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा स्माइली के लिए सुबह के लिए हो जाएगा नाश्ता, ये खा के भी चली जाएगी, क्योंकि उसका सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता, बहुत नींद में रहती है, बहुत आलस में रहती है, बड़ी मुश्किल में उठती है, तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खा ही लेगी, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। और अगर कुछ बना के दूँगी तो नहीं खाएगी, ऐसी चीज़ें खा लेती है सुबह से, या फ्रूट्स वगैरह खा लेती है, लेकिन अभी बरसात में फ्रूट्स भी नहीं लेकर आ पा रहे हैं, बनाना वगैरह रखे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, तो इसीलिए मैंने फिर यही बना दिया है। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो पनीर के पकौड़े देखिए बन के हो गए हैं तैयार, और अब लेके चलती हूँ स्माइली के पास। और मैंने इनको बीच में से कट कर लिया ताकि जल्दी ठंडे हो जाएं, क्योंकि काफ़ी गर्म थे, तो मैंने बीच में से कट कर लिया है इनको। और यहाँ पर स्माइली को देखिए जगा के यहाँ पे लिटाया हुआ है। उठो जल्दी से, लेट हो जाएगा, जल्दी उठो, ब्रश करके फिर लेटगी, जल्दी उठो, जल्दी तैयार भी होना है, जल्दी उठो, जल्दी 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 उठो, पनीर का पसंद है, उठो बनाया खाओ जल्दी, देखो सब बच्चे चले गए, जल्दी उठो ना माँ, कुछ और बना खिलाओ, जल्दी उठो, अब गंदी चीज बनाती हो, उठो उठो उठो। तो उसके बाद फ्रेंड्स, मैं स्माइली को छोड़कर आई ट्यूशन, क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैंने उसको छोड़ के आई हूँ। और यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है, देखिए सब्जी भी बनके तैयार हो गई है, आलू और सहजन की फली की सब्जी बनाई है। और यहाँ पर साइड में देखिए दूध भी गर्म हो गया है और मैं रोटियाँ सेक। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं और 12:45 हो गए हैं, स्माइली का स्कूल का टाइम हो रहा है, जस्ट अभी मैं नहा धो के आई हूँ, थोड़ा सा रेडी हुई, और अब मैं जा रही हूँ स्माइली को रेडी करने के लिए, वो उसको भी मैंने नहला दिया है अपने साथ में ही, और खाना वाना तो मेरा सब बन ही गया था। और सुबह का बहुत जल्दीबाजी वाला रूटीन होता है, बहुत जल्दी वाला, तो मैं प्रॉपर तरीके से नहीं शेयर कर पाई, जल्दी जल्दी मैं शेयर किया है,
तो ये स्माइली का स्कूल का यूनिफॉर्म बस लेके जा रही हूँ, उसको फटाफट से रेडी करती हूँ क्योंकि अभी उसको 12:30 बजे निकलना होता है और बारिश का मौसम में टाइम का बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता कब कितना टाइम हो गया। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्माइली को स्कूल के लिए रेडी क्योंकि इसको स्कूल जाना है अभी। और स्माइली को नहला तो मैंने अपने साथ ही दिया था, बट हेयर वॉश नहीं करती हूँ मैं उसके रोज़, क्योंकि एक तो ठंडा मौसम हो रखा है बारिश की वजह से, तो इस वजह से उसको 2-3 दिन में एक बार जो है हेयर वॉश करती हूँ। और यहाँ पर देखिए कपड़े पहन रही हूँ, बोलिए मुझे ठंडे ठंडे लग रहे कपड़े, ऐसे लग रहे हैं गीले हों क्योंकि नमी हो रखी है कपड़े वगैरह ना एकदम, क्योंकि एक हफ्ते से धूप ही नहीं निकली है तो एकदम नमी सी हो रखी है, कपड़े ठंडे ठंडे से रहते हैं तो वो कह रही गीले हैं कपड़े, तो गीले नहीं है लेकिन वो लेकिन बरसात की वजह से नमी हो रखी है। और यहाँ पर अब मैं इसको कर रही हूँ चुटिया वगैरह बनाऊँगी, सुबह की चुटिया की देखिए क्या हालत हो गई है। ट्यूशन गई थी तब मैंने तैयार करके भेजा था सुबह, नहा के तो नहीं गई थी क्योंकि सुबह सुबह ना नहाना नहीं हो पाता है इसका, बस ये उठ जाती है ट्यूशन के लिए, वही बहुत बड़ी बात है। उठ के थोड़ा सा खिला के हल्का सा नाश्ता करा के फिर भेजती हूँ, कभी कभी तो बिना खाए ही जाती क्योंकि उसका मन ही नहीं होता सुबह सुबह कुछ खाने का, मन नहीं करता है, उठने की भी इच्छा नहीं होती क्योंकि कहाँ स्माइली 10-11 बजे सो के उठती थी, आजकल बेचारी को 8:30-9 बजे उठना पड़ जाता है ट्यूशन की वजह से। तो उठ के फिर थोड़ा सा नाश्ता करके तैयार होके ब्रश करके फिर गई थी वो ट्यूशन, और वहाँ से आई है अभी 11:15 बजे, फिर आके मेरे साथ अभी नहाई धोई है, अब स्कूल की तैयारी हो रही है, 12:30 स्कूल निकलेगी। तो फ्रेंड्स स्माइली हो गई है स्कूल के लिए रेडी, बस अब मैं जा रही हूँ स्माइली का टिफिन बनाने के लिए। तुम दिख रही हो बैठो यही बैठो, अभी इधर उधर मत घूमो, यहाँ बैठो, तैयार होगी ना पूरी बिगड़ जाएगी जब तक जानू तक। और यहाँ पे आ रही है मूवी बॉर्डर, अभी गाना आ रहा बॉर्डर मूवी का, चलो भाई बना दे इसका लंच, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, स्माइली भी गाना गा रही है। तो अब आ गई मैं किचन में, आ गई हूँ और अब बना देती हूँ स्माइली का टिफिन। तो यहाँ पर मैं स्माइली के लंच के लिए बना रही हूँ क्योंकि सुबह आलू के पकोड़े के सॉरी पनीर के पकोड़ों का ना ये बच गया था बेसन, तो मैंने रख दिया था, मैंने कहा लंच के काम आ जाएगा। अभी उसको एक रोटी खिला दी है ट्यूशन से आई है, उसके बाद एक रोटी खिला दी थी और ये थोड़ा सा रख दिया है क्योंकि बच्चों को देख के ना खा ही लेगी वहाँ पे, और कुछ और रखो तो नहीं खा के आएगी, ये तो खा ही लेगी फिलहाल। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्माइली का स्कूल का बैग तैयार, तो यहाँ पे रेनकोट वगैरह रखना होता है क्योंकि स्कूल में बारिश मतलब बाहर निकलते हैं बच्चे, यहाँ से तो अम्ब्रेला लगा के बिठा देंगे गाड़ी में बट वहाँ से जब निकलेगी बाहर वैन तक आने में भीग सकते हैं बच्चे, तो इसलिए हर बच्चे को ना स्कूल बैग में रखना ही है, जो बच्चे मतलब वैसे आते हैं वैन वगैरह से उन लोगों को रेनकोट रखना ज़रूरी है जिनके पेरेंट्स लेने नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैं उसके बैग में ये मैंने रेनकोट रखा, हैंकी टिफ़िन लंच मतलब हैंकी लंच बॉक्स वगैरह ज्योमेट्री बॉक्स बुक्स वगैरह जो ले जानी है पूरा बैग अच्छे से झाड़ के, क्योंकि ये कलर वगैरह रख लेती है कभी भी चुपचाप से, 3-4 पेंसिल रख लेगी, मतलब बच्चों की आदत होती है अपनी मर्जी से भी कुछ चीज़ें रख लेते हैं, तो एक मास्क भी रखा है, हैंकी रखा है, ज्योमेट्री बॉक्स सारी चीज़ें मतलब डन कर दी हैं स्माइली की। और स्माइली भी पूरी तरह से रेडी है, बस यहाँ पे पहना रही हूँ मैं इसकी स्कूल के लिए सैंडल, और बरसात के मौसम में यहाँ मुंबई में जो है सैंडल ही अलाउड है, शूज़ वगैरह नहीं रहता है क्योंकि बारिश का मौसम है, या तो फिर बरसात वाले शूज़ होने चाहिए या फिर सैंडल, लेकिन सैंडल ही बेटर रहती है बरसात में, तो इसीलिए यहाँ पे सैंडल पहनाई जाती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको आई कार्ड वगैरह लगा दिया और स्कूल जाती है ना आज, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ना सुबह वाला मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ क्योंकि बहुत दिन से नहीं किया है और सुबह का मैं कर भी नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी वाला हो जाता है रूटीन, तो आज मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ही करके चलो दिखाई देती हूँ आप लोगों को सुबह का मेरा कैसा रहता है रूटीन। पूरी तरह से रेडी स्कूल के लिए स्माइली, बाय। ये कुत्ते की आंखें कैसे चमक रही है, ग्रीन 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 आ रही है पता कैमरे में इसकी आंखें। चलो जाओ जाओ जाओ, चलो बाय स्माइली, आराम से बाय जाओ जाओ। देखो मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई हूँ क्योंकि स्माइली की गाड़ी अभी आई नहीं है, नीचे खड़ी है स्माइली, बस थोड़ी देर में आती होगी अभी उसकी वैन से जाती है अभी स्माइली आजकल क्योंकि बारिश हो रही है ना, और फिर वरना स्कूल तक छोड़ने जाओ फिर लेने आओ बहुत दिक्कत हो जाती है बरसात में तो खासकर, और दूर भी है इतने पास भी नहीं है, तो इसीलिए उसका स्कूल का वैन लग गया है 1 तारीख से, तो अभी वो स्कूल वैन से ही जाती है स्कूल।
वो यहाँ पर देखिए आ चुकी है स्माइली के स्कूल की वैन, और बारिश देखिए कंटिन्यू पानी बरस ही रहा है, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है बारिश। तो अभी तो फिलहाल स्माइली को वैन में ये अम्ब्रेला लेके गए हैं, तो बिठा देंगे। स्कूल छुट्टी के टाइम पे जो है रेनकोट पहनाते हैं वहाँ से स्कूल से ही, और फिर बच्चे आते, क्योंकि अभी बच्चे कैरी नहीं कर पाएंगे खुद से, अभी लेके जाएंगे तो गीला कर देंगे पूरे में, तो अभी तो ऐसे ही जाते हैं। आते टाइम जो है वहाँ से रेनकोट पहन के आती है। तो फ्रेंड्स अभी बैठती हूँ मैं खाना खाने के लिए, ये देखा दोपहर का खाना हो रहा है, खाना खा के फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं कर लेती हूँ यहीं पर, एंड आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।